साथियों, अब से कुछ देर बाद यहां, यानी कुछ हफ्ते महीने लग सकते हैं, यहां सरजी प्रीफेक्चर में भारत के महान संत तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। और संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा था, इंद्रु पौड़ुदीन पेरित उवक्कम तन मगई ने चांद्रोन एनकेत ताय। तमिल भाषी वाले मित्र तो समझ गए, लेकिन औरों को बताता हूं, इसका अर्थ बहुत ही मार्मिक है। और तिरुवल्लुवर जी ने सदियों पहले ये ज्ञान हमें दिया है। इसका मतलब है, जब एक मां अपनी संतान की प्रशंसा एक विद्वान के रूप में सुनती है, तो मां को इतना आनंद होता है, मां इतनी खुश होती है, जितना उसके जन्म के समय भी नहीं हुई थी। यानी संतान के जन्म पर जितनी खुशी हुई, उससे ज्यादा खुशी जनता की अपने संतान की सफलता पर होती है। मां के लिए कहा है। और इसलिए जब आप विदेश में नाम कमाते हैं, जब दुनिया आपकी प्रशंसा करती है, तो मां भारती को भी वैसी ही खुशी होती है। विदेशी धरती पर मां भारती को अपने हृदय में रखने वाली मां भारती के हर संतान को मैं भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानता हूं। आप भारत के राष्ट्रदूत हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय कहीं भी रहे, लेकिन अपना दिल भारत के लिए भी धड़कता है। मैं अभी स्पेस की चर्चा कर रहा था और चिल्ला रहे थे आप लोग, चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान, मतलब आप है यहां लेकिन दिल आपका चंद्रयान में लगा हुआ है। इसलिए ही फ्रांस सहित पूरी दुनिया में फैला हुआ हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है, उस इंडियन डायस्पोरा ने रेमिटेंस का नया रिकॉर्ड बना दिया है। आप लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाया है, बताऊं आपको? आपको पता नहीं है ना? कोई बात नहीं, आपके पराक्रम के गीत भी मैं गाता रहता हूं। भारत दुनिया का पहला देश है जहां विदेश में रहने वाले भारतीय डायस्पोरा के माध्यम से एनुअल रेमिटेंस 100 बिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। और खुशी की बात है कि आपका ये योगदान
निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन मेरा आपसे एक और आग्रह है, मैं आपसे आग्रह तो कर सकता हूं ना, या कहने में क्या जाता है, मोदी थोड़ा पूछने के लिए आने वाला है। मेरा आपसे आग्रह है, आपको अब भारत में निवेश के लिए भी पूरे उत्साह से आगे आना होगा। भारत अब अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, इसमें आपकी भूमिका भी बड़ी है। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उससे जुड़ी संभावनाओं को जरूर भारत में एक्सप्लोर करें। आज हर इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ब्राइट स्पॉट है, भारत में इन्वेस्टमेंट की अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटी बन रही है। आप भारत में इन्वेस्ट करिए। और आप जो जब कह रहा हूं ना, तो बाद में शिकायत मत करना कि मोदी ने तो बताया ही नहीं था। अभी अवसर है, और मैंने तो लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और जो पल जल्दी पहुंचेगा वो ज्यादा लाभ उठाएगा, जो देर से आएगा वो इंतजार करेगा। अब मौका लेना, कितना जल्दी लेना है आप पर मैं छोड़ देता हूं। साथियों, इसलिए आइए और भारत में निवेश करिए।